हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल फीवर। एक ऐसा बुखार जो आपको कभी नहीं होने देगा बीमार। इट्स सैटरडे एंड वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रिकल एलिमेंट दैट वी आर यूजिंग इन आवर एवरीडे लाइव्स ड्यूरिंग विंटर सीजन्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हीटिंग एलिमेंट्स। हीटिंग एलिमेंट्स वी आर यूजिंग इन अ डेली लाइफ इन विंटर सीजन्स, इन हीटर्स, इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर्स, एयर ब्लोअर्स एक्सेट्रा। तो आज हम देखेंगे इसमें कि हीटिंग एलिमेंट्स होते क्या हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किस तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ हीटिंग एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, क्या क्या एलिमेंट्स मतलब क्या क्या एलिमेंट्स से हम हीटिंग एलिमेंट्स को बना सकते हैं, और एट लास्ट हम देखेंगे कि एक हीटिंग एलिमेंट को सिलेक्ट करते हुए उनकी कौन सी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना चाहिए सबसे ज़्यादा। और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे हीटिंग एलिमेंट्स के थ्रू। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगले वीक से हम एक नई चीज़ लेके आने वाले हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स। 1 मिनट के अंदर हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के रिलेटेड। सो स्टे ट्यून्ड, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। सो आज का लेक्चर शुरू करते हैं जल्दी से। तो शुरू करते हैं हीटिंग एलिमेंट्स के साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हीटिंग एलिमेंट्स होते क्या हैं। हीटिंग एलिमेंट एक ऐसा डिवाइस जो कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी को थर्मल एनर्जी में चेंज कर रहा है, माने कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में चेंज कर रहा है, जिसका अगर हम आम भाषा में या सिंपल भाषा में समझें तो हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी एक डिवाइस के थ्रू और हमें आउटपुट क्या मिला, हीट एनर्जी। तो उस चीज को हम कहते हैं हीटिंग एलिमेंट। ठीक है, इस फोटो में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट शेप्स के हीटिंग एलिमेंट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। वो डिपेंड करते हैं कि हम किस एप्लीकेशन में इस हीटिंग एलिमेंट का यूज करना चाह रहे हैं। तो जनरली आपने इस टाइप का हीटिंग एलिमेंट आपके इलेक्ट्रिकल हीटर्स में देखा होगा, जिसको आप सर्दियों में यूज करते हो गर्मी हीट सेकने के लिए। ठीक है, और इस तरह के जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर्स में प्रेजेंट होते हैं। ये वाला हुआ या ये वाला हुआ, तो ये वाटर को गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर्स में यूज किए जाते हैं। ठीक, अब जो फिनोमिना यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल हीटिंग एलिमेंट में, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीटिंग थर्मल एनर्जी में चेंज करने के लिए, दैट इज जूल हीटिंग। ठीक है, अब जूल हीटिंग का क्या फिनोमिना है कि अगर आपको पता है कि पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इनटू आर। ठीक है, तो अगर जितना आई स्क्वायर इनटू आर है तो उससे हम जितना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे उतनी ज्यादा आपको पावर मिलती जाएगी। मतलब आई स्क्वायर आर टी हमारी हीट होती है। ठीक है, या एनर्जी गिवन बाय दी इलेक्ट्रिसिटी होती है आई स्क्वायर आर टी। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे उतनी ज्यादा आपको वो मिलती जाएगी, क्या कहते हैं, एनर्जी मिलती जाएगी। वो एनर्जी हीट की फॉर्म में आएगी। अब आपने लाइट बल्ब में देखा होगा कि लाइट बल्ब में आपको एक तो लाइट एनर्जी मिल रही है, और ऊपर से अगर आप कभी बल्ब को गर्म करने के बाद बंद करने के बाद टच करें तो उसको थोड़ा गर्म भी होता है, वो हीट भी होता है। तो मतलब लाइट और हीट एनर्जी दोनों मिल रही है हमें। अब उसी फिनोमिना को यूज करते हुए हमें हीट एनर्जी को इंक्रीज करना है और लाइट एनर्जी को डिक्रीज करना है। आपने ये सुना होगा कि हमारे पास जो दो टाइप के कंडक्टर्स होते हैं, दो टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, कंडक्टर वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि करंट को बहुत ही अच्छे से पास करने देते हैं अपने थ्रू। इंसुलेटर वो एलिमेंट्स होते हैं जो अपने थ्रू करंट को पास होने बिल्कुल भी नहीं देते, लाइक वुड और रबर। ठीक, सेमीकंडक्टर होते हैं ना कि वो बहुत ही अच्छे कंडक्टर्स होते हैं और ना ही वो पूरी तरह से इंसुलेटर होते हैं, मतलब उनमें से करंट पास कर सकते हैं बट नॉट लाइक कंडक्टर्स। कंडक्टर हो गए अपने मेटल। अब एक मेटल है, उसमें कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो प्रेजेंट होगा, तभी तो वो जब लाइट बल्ब हमारा हीट होता ग्लो करता है तो उसके साथ हीट भी आती है उसकी, क्योंकि उसके अंदर एक रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है। तो अगर हम इस रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दें तो करंट को फ्लो करने के लिए बहुत ही ज्यादा हैवी पुश देना पड़ेगा। ड्यू टू दैट हैवी पुश जो एलिमेंट हमारा प्रेजेंट है वो एलिमेंट हमारा हीट होना शुरू हो जाएगा। वो हीट होता 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 ज्यादा हीट होने लग जाएगा जब उसका रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे हम। तो उसी फिनोमिना के बेसिस पे हमने हीटिंग एलिमेंट डिजाइन करे होते हैं। तो उनका रेजिस्टेंस काफी हाई रखा जाता है ताकि करंट उनके अंदर से बहुत ही फ्रिक्शन के साथ फ्लो, मतलब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन मिलेगा करंट को फ्लो करने के लिए। तो फ्रिक्शन के साथ जब करंट फ्लो होएगा तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगी। तो हीट प्रोड्यूस हो रही है जो वही हमारी उसको वही हमें आउटपुट की फॉर्म में मिल रही है। प्लस हमने लाइट बल्ब में देखा कि लाइट भी मिल रही है हमें। तो जैसे ही आप हीटर में अगर आप हीटिंग एलिमेंट को ऑन करते हो मान लीजिए पर्टिकुलरली हीटर्स में 2 या 3 हीटिंग एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो हमारी विश के अकॉर्डिंग होते हैं कि हम कितने हीटिंग एलिमेंट्स ऑन करना चाहते हैं। तो सपोज हमने एक हीटिंग एलिमेंट ऑन करा, तो जैसे हीट एलिमेंट ऑन करते हैं उसमें से करंट फ्लो होना शुरू होता है। वो धीरे 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 आप देखते हैं कि वो पूरी तरह से हीटिंग एलिमेंट हमारा हीट होकर रेड हॉट हो जाता है और उसके थ्रू हमें लाइट भी मिलती है। तो हम उसमें हीटिंग को बढ़ा रहे हैं, लाइट को कम कर रहे हैं। तो बेसिकली रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं ताकि फ्रिक्शन ज़्यादा मिले करंट को फ्लो होने के लिए। तो हीटिंग एलिमेंट हमारे कॉयल, रिबन या स्ट्रिप ऑफ वायर से मिलते हैं जो हमें हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा हीटिंग एलिमेंट्स को डिजाइन करते टाइम। और हीटिंग एलिमेंट्स हमारे हीट को कंडक्ट करने के साथ साथ लाइट एनर्जी को भी रेडिएट करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब वर्किंग प्रोसेस वैसे मैं समझा चुका हूँ वर्किंग प्रोसेस क्या है कि आपने हीटिंग एलिमेंट लगाया, उसका रेजिस्टेंस काफ़ी हाई रखा, ताकि जब उसमें करंट फ्लो करेगा उसको काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन मिले। जब करंट को काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन मिलेगा तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होगी तो हीट हमें आउटपुट की फॉर्म में मिलेगी और हीट के साथ साथ थोड़ी सी लाइट भी मिलेगी। और फ्रिक्शन हीट कैसे प्रोड्यूस करती है, अगर आप अपने हैंड्स को ऐसे रब करोगे तो यू आर रबिंग योर हैंड्स अगेंस्ट द फ्रिक्शन। तो इसी फ्रिक्शन के कारण आपके हैंड्स रबिंग पे भी हीट प्रोड्यूस होती है। तो वही सेम फिनोमेना हमारा इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज हो रहा है। अब देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है हीटिंग एलिमेंट्स की। सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस हाई रखना है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अगर आप यहाँ पे देखें तो ρL/A, रो इज द रेजिस्टिविटी, L इज द एरिया ऑफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड A इज द एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो हमें रेजिस्टेंस हाई रखना है तो रो मतलब रेजिस्टिविटी को हाई रखना पड़ेगा, लेंथ को हाई रखना पड़ेगा और एरिया को कम रखना पड़ेगा। तो हीटिंग एलिमेंट आपने देखे होंगे तो उनका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत छोटा सा होता है। उसका रीजन ये होता है कि हमें रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है। ओके, रेजिस्टेंस हाई रखिए, ठीक है, तो आपको ज्यादा हीट मिलेगी उस एलिमेंट से। उसके बाद है ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस। अब ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस की क्या जरूरत पड़ी है, अगर आप देखें तो हमारे एनवायरनमेंट में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, और जो हीटिंग एलिमेंट है वो किसी मेटल से बना हुआ है। जब वो हीटिंग एलिमेंट हीट देगा तो उस एनवायरनमेंट में हमारी ऑक्सीडेशन की जो स्टेट होती है वो नियर बाय एनवायरनमेंट जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है वो तेज हो जाती है। जब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस तेज होती है तो हमारा हीटिंग एलिमेंट जो मेटल से बना हुआ है उसमें करोजन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो उस करोजन से बचाने के लिए उस हीटिंग एलिमेंट को उसके ऊपर ऑक्सीडेंट रेजिस्टेंस लगाया जाता है, जो कि हमारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड या Al2O3 एल्यूमिनियम ट्रिपल ऑक्साइड हमारा जो होता है वो यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये हमारा ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये एक रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ने लग जाता है। अगर जैसे अब एलिमेंट हीट होगा तो टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा क्योंकि हीट आ रही है बाहर, तो उसके साथ हम रेजिस्टेंस को ज़्यादा बढ़ना अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया तो उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने के कारण वो हमारा एलिमेंट डैमेज हो सकता है। तो उस चीज़ को बचाने के लिए हम जो उसमें एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं उसको हाई रेजिस्टेंस कोफिशिएंट मतलब हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला यूज करते हैं हम एलिमेंट। अब हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या है? हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब है कि वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रीच होने पे अपना रेजिस्टेंस इंक्रीज करने लगेगा। लाइक अगर आप ये कर्व देखें तो ये वाला स्टार्टिंग में अगर यहाँ पे देखें तो ये ऐसे इस नी पे आके एकदम से रेजिस्टेंस बहुत हाईली इंक्रीज होने लग जाता है, तो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट का पॉइंट बन जाता है और ये क्रिटिकल रेजिस्टेंस बन जाता है हमारा। ठीक है, तो उसको हम इंश्योर करते हैं कि जो एलिमेंट हम यूज कर रहे हैं वो हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट का हो, ताकि ज्यादा टेम्परेचर हाई होने पे भी रेजिस्टेंस में ज्यादा फर्क ना आए और हमारा इंसुलेंट जो हमारा मटेरियल है वो सेफ रहे। उसके बाद है मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट भी एक सिग्निफिकेंट फैक्टर या रोल प्ले करता है हमारा हीटिंग एलिमेंट बनाते टाइम, ताकि हम ज़्यादा उसको एज ए एलिमेंट सिलेक्ट करें ताकि उसका वो एक हाई टेम्परेचर को होल्ड कर सके। अगर वो हाई टेम्परेचर को होल्ड नहीं करेगा तो वो एलिमेंट पिघल जाएगा, तो जिससे हमारे आसपास जो हमारा पूरा मटेरियल हमने बनाया हुआ है हीटर की बॉडी वो डैमेज हो जाएगी। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हाई मेल्टिंग पॉइंट्स वाले इसके अंदर एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद है टाइप ऑफ हीटिंग एलिमेंट्स। सबसे पहले आते हैं हेयर प्रोसेस हीटर्स। हेयर प्रोसेस हीटर्स एक ऐसे हीटर हैं जिनमें क्या है कि कूल एयर को सक करते हैं और हॉट एयर आपको आउटपुट में देते हैं। जैसा कि हमने हेयर ड्रायर्स वाले लेक्चर में देखा था कि ठंडी हवा इनपुट आ रही है और गर्म हवा आउटपुट आ रही है। सेम वही वाले एयर प्रोसेस हीटर्स हैं ये, जिनकी एक ऐसे पाइप की फॉर्म में होते हैं। इनकी वॉल्स पे हमारे हीटिंग एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हमने देखा उसमें हेयर ड्रायर्स में 2 हीटिंग एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, पैरेलल में लगे होते हैं, उनको एक ऑन कर लो भले 2 ऑन कर लो। तो सिमिलरली इसमें भी वॉल्स पे हीटिंग एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं हमारे। इधर से हमारी ठंडी हवा इनपुट होती है और उधर से हमारी आउटपुट आती है गर्म हवा के रूप में, तो जो कि हमारे एयर प्रोसेस हीटर्स का बेसिक पर्पस है और ये हमारा एक टाइप ऑफ हीटिंग एलिमेंट्स में प्रेजेंट है। दूसरा है हमारा ट्यूबुलर हीटर्स। ट्यूबुलर हीटर्स जैसा कि आप ये वाली फोटो में देख पा रहे हैं, ऐसे बैंड किए होते हैं, ठीक है, ऐसे बैंड किए होते हैं। तो ये वाले जो हमारे ट्यूबुलर हीटर्स हैं, इनका बेसिक एप्लीकेशन होता है इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर्स में यूज किए जाते हैं। या आपने कभी देखा होगा कि एक हीटिंग एलिमेंट आता है, हीटिंग रॉड्स आते हैं जो आप पानी में डिप करके उनको पानी गर्म करते हो सर्दियों में। तो ये वो वाले एलिमेंट्स हैं, ये ट्यूबुलर हीटर्स वो वाले हीटर्स हैं जो कि हमारे बेसिकली वाटर हीटर्स में काम आते हैं, ठीक है। इनको हम ऐसे आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप किसी भी शेप में इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक। उसके बाद है सिरेमिक हीटर्स। सिरेमिक हीटर्स आपने ऐसे गोल गोल वाली बीच में कॉइल लगी होती है, वो वाला हीटर देखा होगा, जिसको प्लग इन करते ही आपकी ये कॉइल गर्म होने लगती है और ऑरेंज कलर का रूप ले लेती है। तो वो ये वाले हमारे सिरेमिक हीटर्स होते हैं। सिरेमिक हीटर्स का क्या है कि इनका काफ़ी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई थर्मल स्टेबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, जिसके कारण हमारे ये काफ़ी स्ट्रांगली उसको हीट को अकोमोडेट करके रखते हैं, ठीक है। तो ये वाले हमारी इसकी आपने एप्लीकेशंस देखते होंगे कि उसके ऊपर आप कुकिंग भी कर सकते हो। कई लोग इसके ऊपर कुकिंग करते हैं, या कई लोग इसको हाथ सेकने के लिए यूज़ करते हैं, अंगीठी की फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं। तो ये हमने अभी 3 टाइप के हीटिंग एलिमेंट्स अभी देखे। उसके बाद है कि अगर आप हीटिंग एलिमेंट सिलेक्ट करने जा रहे हो तो उसको किस फैक्टर्स पे आप उसको कंसीडर करोगे कि कौन सा हीटिंग एलिमेंट हम लेना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज वॉट डेंसिटी। वॉट डेंसिटी इज हीट डिलीवर्ड पर यूनिट एरिया, ठीक है। अगर आप इसमें देखें तो इसका एरिया कम है, इसकी हाई डेंसिटी है। हाई डेंसिटी का मतलब है कि ये कम टेम्परेचर के आपको ज़्यादा हीट दे देगी। ज़्यादा हीट नहीं, मतलब लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी वाले जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल अमाउंट ऑफ हीट देते हैं, बट एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। डिफरेंट टेम्परेचर इन द सेंस ये हाई डेंसिटी है। हाई डेंसिटी है मतलब ये हीट, मान लीजिए दोनों 300 जूल हीट दे रहे हैं, ठीक है, 300 जूल एनर्जी दोनों एमिट कर रहे हैं। तो ये वाली जो हाई डेंसिटी वाली कॉइल है हमारी, ये एलिमेंट है जो, वो जल्दी मतलब कम टेम्परेचर पे हमें उतनी अमाउंट ऑफ हीट दे देगा, क्योंकि ये हाई डेंसिटी है, जल्दी एमिट कर रहा है हीट, पर यूनिट एरिया ज़्यादा हीट दे रहा है हमें। और ये जो लो डेंसिटी वाला है, इसमें क्या है, हीट थोड़ी स्लो रेट से आ रही है, तो वो अलग टेम्परेचर पर हमें उतनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि क्या क्या हमारी एप्लीकेशन सोर्स है जिसमें हमें ये यूज़ करना होता है। उसके बाद टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा हीटिंग एलिमेंट को सिलेक्ट करते टाइम। हमें टेम्परेचर, उस एलिमेंट को बनाते टाइम टेम्परेचर देखना पड़ता है कि किस टेम्परेचर तक ये हीटिंग एलिमेंट हमें हीट करना है। अगर बियॉन्ड उस लेवल लेके जाते हैं तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी हमारा तंग करेगा, जिससे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो वो एलिमेंट डैमेज हो सकता है ड्यू टू एक्सेस हीटिंग हो जाएगी उसके कारण, ठीक है। या फिर इसके टेम्परेचर को अगर हम ज़्यादा बढ़ाते हैं तो ऑक्सीडेशन का भी चांस है कि ऑक्सीडेशन ब्रेकडाउन होगा तो कोरोजन हो सकता है उसका, ठीक है। तो एक टेम्परेचर हमारा बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी हीटिंग एलिमेंट को डिज़ाइन करते टाइम, जो कि हमें प्री डिटरमिन मतलब पहले ही देख लेना चाहिए कि क्या रखना है। उसके बाद पावर सप्लाई, इंश्योर करें कि 240 वोल्ट पे ही डिज़ाइन किए जाते हैं हीटिंग एलिमेंट, तो आप उसी पे ही उसको यूज़ करें एक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ हीट गेन करने के लिए। अगर उसको आप लो वोल्टेज पे यूज़ करते हो तो आप उतनी हीट उससे गेन नहीं कर पाओगे, और मोर ओवर वो हीटिंग एलिमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है कि वो इस वोल्टेज पर आपने काम करने के लिए बनाया हुआ है और कम वोल्टेज पर आप काम करवा रहे हो, तो वो एलिमेंट को भी डैमेज कर सकता है और आपकी वायर्स को भी डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद करोजन क्या है, हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हमारी इंक्रीज हो जाती है, वो हम पहले बता चुके हैं। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ये ऐसे शीथिंग मटेरियल्स हमने यूज़ किए जाते हैं एट द एंड ऑफ दी हमारे हीटिंग एलिमेंट्स के, ताकि ये करोजन रेजिस्टेंस हो। ये जो हमारे शीथिंग मटेरियल्स हैं, ये स्टेनलेस स्टील हो सकता है जो कि करोजन नहीं होती उसके ऊपर, कॉपर हो सकता है, ब्रास हो सकता है, या स्पेशल एलॉयज हमारे मिक्सचर करके बनाए जाते हैं वो हो सकते हैं। तो ये सब कुछ 4-5 चीज़ें हैं एक हीटिंग एलिमेंट को डिज़ाइन करते टाइम हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि कौन से एलिमेंट से हीटिंग एलिमेंट बनाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सबसे ज़्यादा जो कॉमन यूज़ किया जाता है, निकल और क्रोमियम का एलॉय यूज़ किया जाता है, जिसमें 80% निकल प्रेजेंट होता है, 20% हमारा क्रोमियम प्रेजेंट होता है। और ज़्यादातर हीटर्स जो हमारे प्रेजेंट होते हैं घरों में, उसमें निकल और क्रोमियम का ही मिक्सचर प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम एल्यूमिनियम, आयरन और एक और मॉलिबेडनम वगैरह डाल के भी एक मिक्सचर बना सकते हैं, जो कि हमारा 1300 to 1400 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को हमारा वो कर सकता है, हैंडल कर सकता है। तो उस चीज़ को, इन 2 चीज़ें हमारी जो है ये ज़्यादा फॉलो की जाती हैं इस चीज़ में। उसके बाद हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। हीटिंग एलिमेंट्स हमारे ऐसे एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रिक करंट को लेके हीट एनर्जी हमें आउटपुट देते हैं। हीटिंग एलिमेंट वर्क कैसे करते हैं? वर्क करते हैं हमारा रेजिस्टेंस के बेसिस पे। आप जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस रखोगे उतना ज़्यादा करंट को फ्रिक्शन मिलेगा, जितना ज़्यादा फ्रिक्शन मिलेगा उतनी ज़्यादा वो हीट हमें बाहर देगा, और लाइट की फॉर्म में लाइट भी बाहर मिलेगी। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है इनकी? हमारी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ध्यान में रखें आप इसका, ठीक है। आप इसका रेजिस्टेंस देख के चले कि हाई रेजिस्टेंस वाला देखें आप, उसमें ऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट ऑक्सीडेंट्स लेके चले और मेल्टिंग पॉइंट हमारा लेके चले। ऑक्सीडेंट्स हमारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड या Al2O3 हमारा, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ हीटिंग एलिमेंट्स हमने एयर ब्लोअर्स वाले हीटिंग एलिमेंट देखे, हमने इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर्स वाले हीटिंग एलिमेंट देखे और हमने एट लास्ट सिरेमिक हीटर्स भी देखे। तो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड। मैं आपका होस्ट और दोस्त हर्षल जिंदल ऐसे ही आपके लिए अमेजिंग लेक्चर्स लेके आता रहूँगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको क्या हमारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, कोई कमी लग रही है तो वो भी ज़रूर बताएं, कोई आप हमसे टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो वो भी हम कमेंट सेक्शन में बताएं। हम सारे आपका स्टफ इकट्ठा करके आपका कंसोलिडेटेड फॉर्म में आपके आगे रखेंगे उसको। और अगले वीक से यूट्यूब शॉर्ट्स आ रहे हैं, 1 मिनट पे आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करने वाले हैं। सो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद मी। मैं टाटा, बाय।